क्या रामायण काल में डायनासोर थे? इस धरती पर कभी ऐसा विशालकाय जीव हुआ करते थे जो आज शहरों में बनी कई इमारतों के बराबर थे। उस जीव को लोगों ने बाद में डायनासोर नाम दिया, जिसका इतिहास करोड़ों साल पुराना है। आपने ऐसी कहानियां या फिल्में देखी होंगी जो ये बताती हैं कि हजारों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन पर्दे पर दिखने वाली इन कहानियों और इतिहास के पन्नों को खंगालने में बड़ा अंतर होता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डायनासोर कब से कब तक पृथ्वी पर थे। अगर ये इतने प्राचीन है तो क्या रामायण काल में डायनासोर का कोई अस्तित्व था? तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। असल में रामायण काल को लेकर लोग भ्रम में रहते हैं। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी उसका इतिहास 3000 साल पुराना है, जबकि भगवान राम का जन्म विज्ञान के मुताबिक 9000 साल पहले हुआ था। हालांकि धर्म के हिसाब से देखें तो भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग के बाद द्वापर आया और अभी कलयुग चल रहा है। इस हिसाब से भगवान राम का जन्म करीब 12,00,000 साल पहले हुआ। अगर आप इसे करोड़ों में बदलेंगे तो रामायण कई करोड़ों साल पहले की बात है। शोध के मुताबिक डायनासोर का इतिहास करीब 23 करोड़ साल पहले का है। करीब 16 करोड़ साल तक डायनासोर इस धरती का सबसे विशाल जीव रहा। इस हिसाब से रामायण काल में डायनासोर का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। हालांकि रामायण काल में इंसान की औसत लंबाई ही करीब 21 फीट की थी। आज आपको औसतन 6 से 7 फीट के लोग ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा वानर, गरुड़ और रीच भी काफी विशालकाय हुआ करते थे। अगर आप इसे आधार माने तो उस काल में डायनासोर का अस्तित्व हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में डायनासोर का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन वो सुंदर कांड में लिखते हैं कि जब हनुमान जी लंका के लिए रवाना हुए तो देवताओं ने उनकी परीक्षा के लिए एक सुरसा को भेजा, जिसने 16 योजन यानी करीब 128 किलोमीटर में अपना मुंह फैला लिया ताकि वो हनुमान जी को खा सके। लेकिन तुरंत हनुमान जी 32 योजन के हो गए और उसके बाद जैसे ही उससे बड़े आकार का मुंह उसने फैलाया, हनुमान जी ने मच्छर जितना रूप धारण किया और उसके मुंह में जाकर वापस चले आए। इससे हनुमान जी की बुद्धि और बल दोनों का अंदाजा उसने लगा लिया। अब आप सोचिए कि रामायण काल में अगर इतने बड़े मुंह वाले मायावी हो सकते हैं तो फिर डायनासोर का होना असंभव कैसे? हालांकि एक सवाल जो आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा कि अगर डायनासोर थे तो फिर उसका प्रमाण क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वाल्मीकि के रामायण से लेकर गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में इसका जिक्र नहीं मिलता। तो मित्रों इसका कारण ये भी हो सकता है कि शायद इसका प्रसंग ही कहीं ना आया हो, क्योंकि रामायण में कई अन्य बातों का जिक्र भी नहीं है। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि इस भयानक दिखने वाले जीव को डायनासोर नाम तो हम लोगों ने दिया है, हो सकता है कि इसकी प्रजातियों को तब बड़े और विशालकाय जीव कहकर बुलाया जाता हो। ऐसे में एक संभावना ये भी है कि वरुण देव के वाहन मकर और तिमिलिंगा जैसे समुद्री जीव भी इसी लुप्त हो चुकी प्रजाति का हिस्सा रहे हो। वैसे हिंदू धर्म में रामायण से पुराना वेद को माना जाता है। ऋग्वैदिक काल के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन अगर आप उस वक्त डायनासोर को ढूंढेंगे तो शायद ये न मिले, क्योंकि वेदों में भी इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। सिर्फ डायनासोर ही नहीं बल्कि वेदों और पुराणों में तो कंगारू, कीवी, प्लेटिपस, अर्माडिलो, कैसोवरी, पेंगुइन जैसे किसी भी ऐसे पशु पक्षी का जिक्र नहीं है जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर पाया जाता हो। उस समय से लेकर 19वीं सदी में डार्विन द्वारा विकासवाद की खोज से पहले तक किसी को ना तो डायनासोर का पता था, ना विकासवाद का, और ना ही लोग ये जानते थे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। आज भी धर्म यही मानता है कि मनु शतरूपा और एडम होवा की हम सब संतान है। इसलिए ऐसे सवाल जवाब जब जब उठते हैं तो उनका जवाब इतिहास के गर्त में जाकर खंगालना होता है। हमारी पढ़ने की आदतें छूट चुकी हैं, इसलिए हम गूगल पर पढ़कर हर चीज पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि अगर आप खुद अनुमान लगाएं और उस कालखंड के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखें तो आसानी से ये समझ सकते हैं कि आपके सामने जो जानकारी रखी जा रही है वो झूठ है या सच। कुछ लोग इस बात को तो मानते हैं कि डायनासोर का पृथ्वी पर अस्तित्व था, लेकिन इस बात को नहीं मानते कि रामायण काल की कोई प्रासंगिकता थी। धरती पर कभी भगवान राम का अवतार हुआ था? ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के सहारे
खुद को आधुनिकता का हीरो साबित करना चाहते हैं, जबकि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामायण काल से जुड़े कई रहस्य अब तक विज्ञान नहीं सुलझा पाया है। डायनासोर वाला सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में उठता है। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि रामराज में इंसान से लेकर हर पशु पक्षी तक सुखी था, किसी को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं थी। अगर ऐसा है और डायनासोर उसके पहले से रहा होगा तो फिर मानकर चलिए कि रामायण काल में वो तो विलुप्त हो ही नहीं सकता। हालांकि डायनासोर के बारे में सुनते ही विशालकाय जीव की तस्वीरें दिमाग में बन जाना आम बात है। आज जैसे हम डायनासोर के लिए चिंतित है, वैसे ही कई पशु पक्षी इस धरती से विलुप्त यानी खत्म हो रहे हैं, उनके बारे में सोचना होगा। धर्म हर जीव की रक्षा करना सिखाता है। आज लोग धर्म को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए जीवों के प्रति वो प्यार और समर्पण नहीं रह गया है। इसीलिए रामायण काल में डायनासोर का इतिहास जानने के साथ साथ अभी के विलुप्त होते जीवों को बचाना भी जरूरी है। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, रामायण काल में डायनासोर थे या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। धन्यवाद।